हेलो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों को लहसुन का पाउडर बनाने के लिए सिखाने जा रही हूँ। हम लोग सब्जियाँ जब बनाते हैं तो सारे पाउडर तो तैयार रहते हैं सारे मसालों के, लेकिन लहसुन का पेस्ट बनाने में हम लोगों को दिक्कत आती है। चलिए मैं बताती हूँ कि लहसुन का पाउडर हम लोग बनाकर और महीनों तक इसे स्टोर करके रख सकते हैं, किस तरह से हम लोग ये करेंगे। चलिए आप लोगों के साथ मैं इसका विधि शेयर करती हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं इसको इस तरह से निकाल लूँगी, ये जो बीच के जो है ये इसे हटा दूँगी। ये सारे को मैं इसी तरह से तोड़ लूँगी और इसका बीच का निकाल कर रख लूँगी। अच्छी तरह से पानी से साफ़ करके धो दी हूँ मैं इसे, और इसको मैं मिक्सर में हल्का पीसूँगी, दो तीन बार ही चलाऊँगी, ज़्यादा नहीं। इस तरह से इसे ज़्यादा पीसना नहीं है, दो तीन बार ही चलाना है और मोटा रखना है। और इस तरह से पीसकर इसे हम लोग धूप में सुखा लेंगे अच्छी तरह से, उसके बाद इसका पाउडर बनेगा और इसका छिलका नहीं निकला है वो सूखने के बाद निकल जाएगा, साफ़ कर लूँगी उस समय। इसी तरह अदरक का भी पाउडर बना कर रख लूँगी। देखिए, ये अदरक मैं अच्छी तरह से साफ़ करके रखी हूँ और इसे इस तरह से करके ऐसे भी मैं धूप में सुखा दूँगी। अब सूखने के बाद इसका भी मैं पाउडर बना दूँगी और इसे स्टोर करके रख दूँगी। इससे सब्जियाँ बनाने में बहुत ही आसानी होती है। देखिए, अदरक को मैं घिस कर रख दी हूँ और इसे मैं धूप में सुखाऊँगी। देखिए, दो दिन तक धूप में सुखा दी हूँ और अच्छी तरह से सूख गया है। अब इसका पाउडर बनेगा, इसे मिक्सर जार में डालकर मिक्सर में पीस लेना है। दोनों को मिक्स करके देखिए मैं पीस कर इसे छलनी से छान रही हूँ। इसे अच्छी तरह से एक छलनी से छान लेना है और देखिए फाइन पाउडर बनकर तैयार हो गया है। और एक डब्बे में भरकर आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं।